So good morning students, today we are going to see the very important theorem for class 10. Class 10 का एक बहुत बहुत important theorem है, angle bisector theorem, जो कि आपको class 11th में भी काम आएगा, class 12th में भी काम आएगा. जब तक आप geometry से deal करोगे तब तक ये angle bisector theorem आपको काम आएगा. angle bisector theorem को angle bisector property भी कहते हैं. okay, तो यहाँ पर थ्योरम में एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना है होता है वो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए. सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, इफ यू हैव एनी ट्रायंगल एबीसी, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी है तो इस ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है. एडी इज योर एंगल बाइसेक्टर जो कि एंगल ए को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में. ओके, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये अगर आपको गिवन कंडीशन है तो आपको ये प्रूफ करना होता है. यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना होता है, टू प्रूफ एबी अपॉन एसी, एबी अपॉन एसी इज इक्वल्स टू, अब ये देखो एबी अपॉन एसी लिया है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो है बीडी अपॉन डीसी. आपको ये करस्पॉन्डिंग साइड ध्यान रखना है, यानी आपको प्रूफ क्या करना होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो, जो यहां पर जो अल्टीट्यूड फॉर्म होता है उसके प्रोपोर्शन में है. साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ एन द टू पार्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द अल्टीट्यूड. ओके, अल्टीट्यूड कहने की बजाय बाइसेक्टर. ओके, बाइसेक्टर से जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो उसके प्रोपोर्शन में दोनों भी साइड्स है, ये आपको प्रूव करना होता है. अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. अब ध्यान दीजिए, नाउ गिवन व्हाट इज अ गिवन थिंग, यहां पर आपको गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में एडी बाइसेक्स, एडी बाइसेक्स एंगल ए, एडी बाइसेक्स एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक किया जा रहा है, यानी जो आपका एंगल बीएसी है उसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, एंगल वन एंड एंगल टू, ये इक्वल है. ओके, बिकॉज ऑफ एडी. ओके, तो यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम. यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है कि दिस सी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सी पैरेलल एडी, सी पैरेलल एडी, ओके, एक्सटेंड, एक्सटेंड दिस एबी टिल ई, AB till E. अब हमने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया है आपको पता चलेगा. यहां पर मैंने दो एंगल्स के नाम दे रखे हैं, एंगल ACE को मैंने एंगल 3 बताया है और एंगल AEC को मैंने एंगल 4 बताया है. ओके, यहां पर मैंने दो नाम्स रखे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, यहां पर भी एंगल 1 एंड 2 है. अब आपको पता है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये तो आपका गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2. ओके, अब आते हैं प्रूफ की तरफ. Now see here. Now first thing, हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, angle 1 is equals to angle 2. We know that AD, AD is angle bisector. AD is angle bisector. Therefore, angle 1 is equals to angle 2. Angle 1 is equals to angle 2. Okay. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि आपका एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर, इसलिए आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आएगा. इसे आप कंडीशन नंबर 1 दे सकते हो, यू कैन राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर देखिए, अब आपको पता है कि एडी इज पैरेलल टू सी, आपका जो एडी है वो सी को पैरेलल है, एडी इज पैरेलल टू सी, तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर एडी इज पैरेलल टू सी, देयरफॉर यू कैन राइट हियर एंगल 2 is equals to angle 3, angle 2 is equals to angle 3, angle 2 angle 3 ki barabar hai. Why? Because it will be an alternate angle property. Aapko pata hai wo alternate angles form kar rahe hai, kaun se angle 2 and angle 3, they are forming an alternate angle. Why? Angle 2 is equals to angle 3, ye aisa ho raha hai kyunki ye aapko alternate angle ki property show kar raha hai. Angle 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आपको क्या बता रहा है, अल्टरनेट एंगल. यहां पर जेड फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए ये आपका डी ए सी
एंगल ई ए सी ए, यहां पर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बता रहे हैं। आपको पता है व्हेन लाइंस आर पैरेलल, ये आपकी दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए आपके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, अल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। अब यहां पर देखिए, अब आपका एडी जो है, एडी पैरेलल सी, एडी पैरेलल सी, देयरफॉर जो एडी है वो सी को पैरेलल है, देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर। आपका जो एंगल वन है वो फोर के बराबर आ जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर। ओके, व्हाट विल बी द रीजन, क्योंकि यहां पर एफ फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर देख सकते हो आप, आपका एई जो है, ये जो ई एई है, ये आपका ट्रांसवर्सल बना रहा है, और यहां पर एंगल वन और फोर जो है वो एफ फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये आपके कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, दे आर नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज आपके दोनों भी लाइन जो है वो पैरेलल आ रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, यहां पर आप इसे इक्वेशन टू बना दीजिए कि आपका इक्वेशन थ्री हुआ। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, अब आप एक चीज नोटिस करिए, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए, अगर आपका एंगल वन टू के बराबर है और टू जो है वो थ्री के बराबर है, इसलिए आपका वन थ्री के बराबर हुआ। ओके, सपोज आप ऐसा मानकर चलिए कि आपका वन का मेजरमेंट अगर 50 है, जस्ट वी आर कंसिडरिंग, अगर आपका वन का मेजरमेंट अगर 50 है तो टू का मेजरमेंट कितना होगा, ऑब्वियसली 50 होगा, बिकॉज दे आर इक्वल, तो ये दोनों का 50 होगा। नाउ टू एंड थ्री आर इक्वल, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि टू का मेजरमेंट थ्री के बराबर होगा, यानी इसका भी मेजरमेंट 50 हो गया। ठीक है, अगर आपको पता है कि वन एंड फोर आर इक्वल, तो फोर का मेजरमेंट भी कितना हो गया, 50 हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका फोर जो है वो थ्री के बराबर आ रहा है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, यानी ये चारों भी एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। ओके, तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम कंडीशन वन, कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। ओके, आपको बताया मैंने 50, 50, 50 एंड 50, ये सिर्फ हमारा एजम्पशन है, ये कहीं दिया नहीं है, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, आप इसको एक्स पी नाम रख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपके चारों एंगल्स बराबर है, आपको ये भी पता चला कि एंगल थ्री का मेजरमेंट फोर के बराबर है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। अगर ऐसा होता है तो ट्राइंगल ए सी ई जो है आपका आइसोसेलस ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि उसके बेस एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। ट्राइंगल ए सी ई क्या बनेगा, आपका आइसोसेलस ट्राइंगल बनेगा। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी का जो मेजरमेंट है वो ए ई के बराबर आ जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए। इसे आप इक्वेशन फोर दे सकते हो, फ्रॉम फोर, फ्रॉम फोर, ठीक है, आप इसको फ्रॉम फोर बोल सकते हो। अब मैं यहां पर ये साइड आपकी इरेज कर लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपका एसी जो है वो ए के बराबर आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, देखिए, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए, ट्राइंगल बी सी ई लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी ई, अगर ट्राइंगल बी सी ई में AD is parallel to C, AD parallel C by construction, okay? तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि BD upon DC, BD upon DC is equals to AB, this AB upon E, AB upon E. What will be the reason? यहां पर रीजन क्या है, मैंने लिखा है बीडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू दिस ए बी अपॉन ई, ऐसा लिखा है। इसका रीजन क्या रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऑलरेडी वी नो दैट, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम में हमको पता है कि जब आपकी कोई भी ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी ई कंसिडर किया है, यहां पर एडी जो है वो सी को पैरेलल है, तो आप यहां पर बीपीटी थ्योरम में अप्लाई कर सकते हो, बीडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी अपॉन ए। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर फाइव बना देता हूं, ये आपका इक्वेशन फाइव है। अब ध्यान दीजिए,
अब आपको पता है आपका एसी जो है वो ए के बराबर है, यानी जो आपका एसी है वो ए के बराबर है, तो यहां पर इस ए के जगह पर मैं अगर एसी रिप्लेस करूं तो ओके सो कंडीशन फोर में आप देख सकते हो जो एसी है आपका ए के बराबर है, यानी एसी जो साइड है वो ए के बराबर है, तो यहां पर हमने ए बी अपॉन ए लिखा है, तो इस ए के जगह पर मैं एसी लिख सकता हूं, तो यहां पर आएगा बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए। ओके सो हेंस प्रूव्ड, आपको यही प्रूव करना था, आप देख सकते हो ए बी अपॉन ए सी, यहां पर देखिए ये एक्चुअली ए सी लिखना था यहां पर, ओके तो आपको यही प्रूव करना था ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके सो दिस वॉज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट सी इट वेन एवर यू रिक्वायर, ओके एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके सो थैंक यू वेरी मच।